कौन शेयर है जी, किस भाव पे? रुपए में शेयर खरीदे थे और एवरेज करते करते मैं आ गया अभी 467 पे। 467 का एवरेज आपका सर जी, और शेयर इंक्लूड कर लो या फिर अभी उसको निकल जाओ यहाँ से? अच्छा अमित जी, आपका एवरेज आपने 467 बताया, राइट? सर एवरेज करते करते 467 पे आ गया। ओके ओके, मानस ये एवरेज कर रहे हैं पहले से, और एवरेज करते करते दाम 467 के आसपास आ गया है इनका अब, और 77 शेयर इनके पास है। और पोजीशन खरीद सकते हैं यहाँ पर, या फिर अभी वेट करें और दाम नीचे आए, ये क्या करें इसके अंदर? देखिए अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड के लिए देखने को नहीं मिला है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन है ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो रहा है। तो मेरा समझना ये है कि इस कंसोलिडेशन जोन के लोअर जो रेंज है, मेरे ख्याल से 405 रुपए पे एक सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ 440 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब आपको कम से कम 40 से 60 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा, उसके इसमें 500 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 405 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को में बने रहिए। तो 405 का एक स्टॉप लॉस और हिंडाल्को में बने रहने की राय ये आपको मानस दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। अच्छा, हमारे